हेलो फ्रेंड्स, तो आज सबको पता ही है कि एक दिन बाद हमारा तीज है, तो बस तीज के लिए मैं कुछ ये सब नमकीन वगैरह बना रही हूँ। और अभी शाम के बज रहे हैं 6, और साथ साथ में मैं यहाँ पे सब्जी भी बना रही हूँ, तो दोनों काम मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लिया हुआ है, मैदा लिया हुआ है, मैदा। तो उसको उसमें मैं डाल रही हूँ करार, उसको मैं अच्छे से मिक्स, अभी मैं बनाऊंगी सलोनी और उसके बाद गुजिया भी बनाना है मुझे। तो ये सलोनी का तो इतना आटा तो मैंने ले लिया है, ठीक है। अभी इसमें हम मोइन डालेंगे। वैसे मैं बताऊं तो मैंने ना कभी बनाया नहीं था, ये शादी के बाद ही ये सब चीजें मैंने स्टार्ट करी। ये मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को मैंने गरम कर लिया है मोइन के लिए, और मोइन इसलिए डालते हैं क्योंकि जो अगर हम कुछ भी चीज ऐसा बना रहे हैं तो वो ज्यादा थोड़ा सा क्रिस्पी बने। मोइन जितना ज्यादा आप मोइन डालोगे, जितना अच्छा आप डालोगे, आपका जो सलोनी या गुजिया जो भी आप बना रहे हो वो उतना ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो जस्ट मैं भी ट्राई ही कर रही हूँ कि मेरे से भी कुछ चीजें बन जाए। अब मैं इन सभी चीजों को मिला दूंगी। देखिए एक तरह मेरी सब्जी बन रही है, क्योंकि ये सब बनाते बनाते लेट हो जाएगा, फिर मेरे को खाना बनाने का टाइम मिलेगा नहीं। और किट्टू जस्ट सो रहा है, वो एक बार उड़ गया तो ना तो मुझे ये बनाने को मिलेगा। मैं सोची थी कि इसको मैं दोपहर में बनाऊं, लेकिन किट्टू सोया ही नहीं आज, वो ज्यादा परेशान कर रहा था तो मैं बना ही नहीं पाई, इस वजह से अभी बना रही हूँ। देखिए इसको हमको तब तक बनाना है जब तक कि ये ऐसा लड्डू ना बन जाए, ठीक है। क्यों कि अभी यहाँ मेरी साइड में मेरी ये सब्जी बन रही है, इस तरफ ये भी क्या क्या करना पड़ता है यार एक हाउस वाइफ को। रियली में आप लोगों के यहाँ भी सब तीज का चल रहा होगा ना प्रिपरेशन। अभी मेरे घर में तो मैं अकेली हूँ तो फिर होता नहीं है, अभी नरेश आएंगे तो वो हेल्प मेरी करा देंगे, वो भी मार्केट गए हुए हैं, वो जैसे आएंगे तो वो मेरी हेल्प कराएंगे। तो चलिए फिर ये मेरा हो जाता है, फिर आप मेरे किचन पे ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सलोनी का आटा मेरा हो गया है रेडी। अब कुछ देर के लिए अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, तब तक कि मैं मेरी जो सब्जी है ये देखिए ये भी मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि इससे पहले, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ ढक के, और जब मैं स्टार्ट करूंगी ना बनाना फिर तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मीठी सलोनी बनाने के लिए, मतलब शक्कर पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पानी। शक्कर पारा मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, आई थिंक 1 कप ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1 कप से मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, कितना कम कर लेती हूँ। 1 तार वाली चाशनी बनानी है मुझे, और मैं देखती हूँ क्या होता है। और इसमें 2 कप जितना मेरे को डालना पड़ेगा शक्कर, तो मैंने इस कप से मेजरमेंट किया था, तो मैं इसी कप से ही शक्कर भी लूंगी, नहीं तो फिर लास्ट टाइम जैसे हो जाएगा मेरे साथ में ट्रेजेडी, जो कि मैं नहीं चाहती। ये और चढ़ा के इलायची डाल रही
हमारी ये शक्करपारे बनाने के लिए ये वाला तो हमारा हो गया है लगभग। अब हम बनाएंगे यहाँ पे नमकीन वाली सलोनी। तो जब तक वो होता है तब तक मैं इसको कटासी भी रेडी हो चुका है, वो जब बन जाएगा उसके बाद फिर हम लोग उसमें डालेंगे। हमारे जो शक्कर पारे हैं वो रेडी हो गए हैं। देखिए ये मेरा पहला ही ट्रायल था और मैं सोची नहीं थी इतना अच्छा बनने वाला है। ये आप देख रहे हो कितना अच्छा है, ये देखिए है ना मस्त। आप भी ट्राई कीजिएगा घर पे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, अब उसमें मैं डालूंगी घी और वो गुजिया जो है मैं सूजी और उसका मावे का बनाने वाली हूँ दोनों का मिक्स। और मैंने इतना डाल दिया है, इतना तो सूजी मैंने कर दिया है अभी सूजी से। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और मैं यहाँ पे डालूंगी यहाँ पे कुछ काजू बादाम भी लिए थे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डालूंगी किशमिश डालूंगी मैं किशमिश ओके बादाम तो ऑलरेडी दे चुके हैं। अब ये जो है वो कट करके फिर मुझे इसमें डालना है। तीन इलायची को इसमें कूट के डालूंगी। मैं इसके छिलके नहीं डालने हैं, सिर्फ इसका बीज डालना है। तो
चैनल। तो आज आप लोग देख रहे हो, मतलब आज नहीं, कल जो भी मैंने तीज के लिए जो भी चीजें बनाई थी, मिठाई वगैरह, तो वो मैं, क्योंकि उस दिन काफी ज्यादा टाइम हो गया था, रात के करीबन 12 बज गया थे हम लोगों को बनाते बनाते, और फिर मैं बाकी का वीडियो जो है वो शूट नहीं कर पाई थी। तो बस मुझे लगा कि आप लोगों को वो दिखाना चाहिए। तो आज सेकंड डे, मीन्स आज तीज है, तो आज मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आखिर मैंने क्या क्या बनाया है और वो दिखने में कैसा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें मैंने आई थिंक सेकंड टाइम यूज किया है, यूज नहीं बनाया है। इससे पहले क्या था कि जब लास्ट ईयर जब तीज था, तो उससे पहले उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो नहीं बना पाई थी। और उसके बाद तो 3 साल तो कंटिन्यू मेरी जॉब थी, तो जॉब की वजह से कभी टाइम ही नहीं मिला बनाने का। और दिन भर जॉब में मैं तीज में भी, जिस दिन मेरा फास्ट रहता था उस दिन मैं फास्ट में भी जॉब, मेरा ड्यूटी चालू ही रहता था, मैं ड्यूटी नहीं ऑफ नहीं लेती थी उस दिन, और उसके सेकंड डे ऑफ लेती थी या नहीं लेती थी, ऐसा था। तो उस चक्कर में सिर्फ मेरा पूजा ही हो पाता था और बाकी ये सब चीजें नहीं बना पाती थी। और ये सब चीजें मुझे बनाने भी नहीं आती थी, मैंने कभी भी शादी से पहले ये ट्राई नहीं किया था, इस बार ट्राई किया है तो अच्छा बना है। वैसे तो काफी ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में काफी ज्यादा अच्छा बन गया है, खास करके शक्करपारे जो है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और आज का वीडियो आएगा तीज स्पेशल का, आप प्लीज आप उसको देखना ना भूले। और इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करती, ऑलरेडी ये 10-12 मिनट का तो हो ही गया होगा, तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। और आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, और अगर कोई भी मिस्टेक या गलती हुई होगी तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सलोनी बनाई हुई है, और थोड़ा सा मैंने ये वाला जो था कुछ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पक गया है, और ये, और यहाँ पे मैंने बनाए हैं शक्कर पारे, और ये बनाया मैंने गुजिया। ये देखिए, आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि मैंने उसमें जो गुजिया बनाने का जो साँचा आता है उसका मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि उसका साइज भी काफी बड़ा हो रहा था और वो अच्छे से बन भी नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको हाथ से ही बनाया है। ये देखिए, इसकी ये सब जो डिजाइन है मैंने हाथ से ही ये सब बनाया है फॉक से। आप भी ऐसा बना सकते हो, या आप लोग भी बनाते होंगे, क्योंकि मैंने तो ये फर्स्ट या सेकंड टाइम ही बनाया है, तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे को इन सब चीजों का, बट फिर भी अच्छा बना है काफी। देखिए,